सूरत थी महत्वना समाचार की बात करिए तो सूरत में दिनेश काछड़िया कथित हनीट्रेप मामले जयंती भानुशाली केस की पीड़िता जवाब नोधवामां आव्यो छे। हनीट्रेप केस में पीड़िता जवाब लेवा समन्स मोकलायुं हतुं तो काछड़िया हनीट्रेप केस में पीड़िता नाम सामे आवता क्राइम ब्रांच 30 जुलाईए जवाब नोधावा जणाव्युं हतुं, जे बाद हनीट्रेप केस में पीड़िता एक कलाक सुधी निवेदन लेवायुं हतुं। तेमना पिताए हनीट्रेप केस में पोतानी भूमिका स्पष्ट करी हती। साथे ज दिनेश काछड़िया पासे करोड़ों की खंडणी मांगवा मामले आरोपीओनी तपास में पीड़िताનું नाम सामे आव्युं छे तो त्रीजा समन्स बाद पण पीड़िता पोलीस समक्ष हाजर थता तेनुं निवेदन नोंधी वधु तजવીજ हाथ धरवामां आवी छे। जयंती भानुशाली पर बलात्कार की फरियाद दाखिल करना पीड़िता क्राइम ब्रांच में पोतानो जवाब लखावा माटे आवी छे, कारण के सूरत ना कोर्पोरेटर दिनेश काछड़िया केस में पण ते एक साक्षीओना निवेदन आरोपी निवेदन में तेनुं नाम सामे आव्युं छे अने ते केस में तेनी तपास माटे तेने बोलावामां आवी हती। आप जोई शको छो गाड़ी छे, गाड़ी नी अंदर जे पीड़िता छे ते आवी हती ने अत्यारे ते जई रही छे। जे गाड़ी छे तेनी अंदर पीड़िता जई रही छे। लगभग एक कलाक सुधी पीड़िता नो जवाब लेवामां आव्यो छे। महत्वनी बात ए छे के जे दिनेश काछड़िया नो बलात्कार के दिनेश काछड़िया सामे जे हनी ट्रेप नो जे केस दाखल करवामां आव्यो हतो, हनी ट्रेप नो कथित जे केस हतो, आ केस नी अंदर जे पीड़िता छे ये पीड़िता नो जे नाम छे ते आरोपीओ ने तपास में आव्यो हतो ने त्यारबाद तेने वारंवार समन्स मोकलवामां आव्या हता। आ त्रीजो समन्स छे, त्यारबाद पीड़िता पोलीस समक्ष हाजर थई छे। छेल्ला बे दिवसथी ते बीमार पण चाली रही हती, परंतु जे प्रकारे क्राइम ब्रांचे तेने समन्स मोकल्यु हतु अने चीमकी पण आपी के હવે જે હાજર નહીં થાય તો તેને જે વોરંટ છે તે ઇસ્યુ આવશે, એટલે પીડિતાએ આજે પોતાનું નિવેદન આપી દીધું છે। લગભગ એક કલાક જેટલું આ નિવેદન ચાલુ છે। નિવેદનમાં શું વિગતો તેને આપી છે તે જરૂરથી તપાસનો વિષય છે, તે ચર્ચાનો વિષય છે, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક પીડિતાનો મહત્વનો રોલ દિનેશ કાછડિયા હની ટ્રેપ કેસમાં સ્પષ્ટપણે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યો છે। જોવાનું એ છે કે હવે નિવેદન લીધા બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આ કેસમાં શું કાર્યવાહી કરે છે। કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે તેજસ મોદી, ઝી મીડિયા।